नमस्कार दोस्तों, अमन और प्रीत की इमोशनल लव स्टोरी आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये अमन और प्रीत की इमोशनल लव स्टोरी है जो एक दूसरे से डेली बात करते थे, एक दूसरे को हर रोज़ मिलते थे, लेकिन हाल वैसा ही था जैसे कि हर आशिक का प्यार में होता है। अमन को प्यार करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन कभी भी प्रीति से इजहार नहीं कर पाया। यानी प्रीति को ये तक नहीं पता था कि अमन उससे प्यार करता है। अमन के सब्र का बांध तब टूटा जब अमन को लगा मेरा प्यार मेरा नहीं रहा, वो तो किसी और का हो गया। आपको बता दें कि जब प्रीति की शादी तय हो गई तो अमन को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, आज 5 साल से अपने प्यार का इजहार तक नहीं कर पाए और अब हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। इधर प्रीति अपने हमसफर को पाकर इतना खुश थी, उसका एक झलक पाना अमन के लिए मुश्किल हो गया था। आखिरकार अब प्रीति घर से निकलना छोड़ बंद कर दी थी और अपने पति बलराम से हमेशा फ़ोन पर चिपकी रहती थी। यही नहीं, प्रीति का सजना संवरना और उसके चेहरे की चमक दिन के दिन बढ़ती जा रही थी। इधर अमन अपने सच्चे प्यार के गम में इतना टूट चुका था मानो वो जिंदा लाश बन गया है। अब करता ही क्या, सब कुछ तो खो चुका था। जब अमन ने हिम्मत जुटाकर उससे बात की तो प्रीति उसकी हर बात मजाक में ले रही थी। तब उसने अपनी सारी दास्तान सीरियस में सुनाया और तो प्रीति के होश उड़ गए और फौरन दूर रहने के लिए गुस्से में बोली। और अब धीरे धीरे शादी का दिन भी नज़दीक आता जा रहा था। इधर अमन की बेचैनी बढ़ चुकी थी, उन्होंने अपने प्रीति से शादी के मात्र 2 दिन पहले भाग जाने का जिद करने लगा, लेकिन ऐसा होना कहाँ मुमकिन था। और उल्टा लड़की ने अपने परिवार वालों को बोल दिया। अब अमन के लिए एक झलक पाना मुश्किल हो गया था। आज प्रीति की शादी का दिन भी आ ही गया। इधर अमन गांव छोड़कर बलराम के यहाँ पहुँच गया। वहाँ उन्होंने सब कुछ सच बताया। इसके बावजूद बलराम ने उसे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया, लेकिन अमन को यह बात समझ नहीं आई और उन्होंने वापस आकर शादी के दिन ही बलराम को मौत के मुंह में उतार दिया। अब प्रीति के घर वाले पूरी तरह से घबरा गए थे। पुलिस आई, प्रीति से पूछताछ करने लगी। प्रीति ने पुलिस को अमन के बारे में सब कुछ बताया और पुलिस ने अमन को उठा लिया और थाने ले गई। तो अमन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आज अमन जेल की 4 दीवारों के बीच में बंद है। तो ये कैसा प्यार है, आखिर ये कैसा प्यार कि अपनी खुशियों के लिए किसी की खुशी छीन ली जाए। प्यार तो वो होता है जिसमें सब कुछ कुर्बान हो जाए। धन्यवाद।